वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार और अब चलते हैं सीधे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रमेश अय्यर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कंपनी में आज नई कारोबार स्ट्रैटेजी की घोषणा की गई है। क्या है नई स्ट्रैटेजी, किस तरीके का रिस्पॉन्स और डिमांड हम देख रहे हैं, चाहे हम एनबीएफसी सेक्टर की बात करें, इन सब पर बात करने के लिए चलते हैं मिस्टर अय्यर के पास। मिस्टर अय्यर, पहले तो आपने जो न्यू स्ट्रैटेजी रिकैलिब्रेट की है अपनी स्ट्रैटेजी फॉर पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, उस पर हमें बताइए एग्जैक्टली वो क्या स्ट्रैटेजी है और महिंद्रा फाइनेंस कैसे अपने शेयर होल्डर्स को ये पेंडेमिक की जो सिचुएशन हुई उससे बचाने की बात कर रही है। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि हम काफी काम जो है सेमी अर्बन रूरल मार्केट में करते हैं और ये मार्केट जो है हमेशा एक बड़ा फिजिकल मार्केट रहा है, जहां की हमें ब्रांचेस ओपन करने की जरूरत है, कस्टमर के पास पहुंचने की जरूरत है, या कस्टमर हमारे पास ब्रांचेस में आते हैं और लोन लेने के लिए या चाहे रिपेमेंट देने के लिए। तो पहला चेंज तो ये है कि अब हम चाहते हैं कि उन्हें जितना डिजिटल सोल्यूशन दे पाए हम देंगे, हमारी पेनिट्रेशन जो है वो डिजिटली रहेगी इनको डीपर, और ये हम ऑलरेडी जो है कुछ पहले से नॉट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक इवन अदरवाइज हम ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में थे और ये अब जाकर के काफी इसका उपयोग हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि कम से कम 15-20% हमारी कलेक्शन जो है थ्रू डिजिटल मीन्स हो रही है, पीपल आर इंक्वायरीज आर गेटिंग जनरेटेड थ्रू डिजिटल मीन्स, तो ये एक हमारी डेफिनेट अप्रोच रहेगी। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि कस्टमर जो है आज के परिस्थिति में, और मैं ये नहीं कहता हूं कि ये परमानेंट हो सकता है, लेकिन आज की परिस्थिति में वो हमसे सोल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि सबके पास अपना अपना एक अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम है। किसी का रेवेन्यू कम हुआ है, किसी के कारोबार कुछ कम हुआ है, कुछ चाहते हैं कि हमें और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए, कुछ चाहते हैं कि हमारा काम शुरू होने में और टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से हमारी टोटल जो एम्प्लॉई माइंडसेट जिसे बोलते हैं, तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो होती है कस्टमर के साथ, इसको चेंज करने की जरूरत थी और ये हमने काफी 4-5 महीने में उस पर भी काम किया है एंड वी आर ट्राइंग कि भाई किस तरीके से कस्टमर को इसमें सोल्यूशन दिया जाए और एक पार्टनरशिप अप्रोच लिया जाए रादर देन अ फाइनेंशियल एंड अ कस्टमर एक इंडिविजुअल अप्रोच जो हमेशा से चलता आ रहा है। ओके, तो मैं कहूंगा कि ये 2-3 चीज जो हमने की है, एक पार्टनर लेड स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं और उस पर आगे चल रहे हैं, विच इज वॉट बीन योर फोकस एरिया। बट मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि रूरल, आपने स्टार्टिंग में भी कहा रूरल एरिया में आपका ज्यादा फोकस रहता है, इस बार ट्रैक्टर की सेल्स बहुत ही इंकरेजिंग रहे, फार्म इक्विपमेंट एक सेक्टर है जहां अच्छा रिस्पॉन्स मिला एज कम्पेयर टू अदर सेगमेंट्स, आप वहां कैसे कर रहे हैं डिमांड इन्विसाज और वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके ओवरऑल बिजनेस में और किस तरीके की बुक इस वक्त आपकी मॉरेटोरियम के अंडर है? देखिए, अगर ट्रैक्टर की बात करें तो डिमांड डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रहा एंड इनफैक्ट मैं समझता हूं कि इन्वेंट्री लेवल्स इसमें काफी कम हुए और सप्लाई साइड की प्रॉब्लम रही, अदरवाइज और भी नंबर हो सकता है और ये इसी तरीके से अच्छा चलता भी रहेगा बिकॉज अभी कुछ प्राइजेस भी अनाउंस हुए हैं, क्रॉप्स के मानसून अच्छा रहा है, सो इवन द नेक्स्ट क्रॉप जो है अच्छा रहने की डेफिनेट गुंजाइश है और साथ साथ में गवर्नमेंट के फोकस रूरल में होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओपन अप हो रही है। अगर आप ये सबको मिलजुलाकर देखें तो डेफिनेटली जो है रूरल बॉयंसी जो एक विटनेस हमें करने मिलेगा, हम समझते हैं कि ये आगे 2-3 साल तक अच्छा रहेगा, तो ट्रैक्टर का डिमांड इसके साथ साथ लगातार अच्छा रहेगा। और ओवरऑल रूरल मार्केट की बात करें तो अगर मानसून अच्छी रहती है, क्रॉप कैश फ्लो अच्छी रहते हैं, इंफ्रा कैश फ्लो सुधरने लग जाते हैं, सो ऑल प्रोडक्ट्स का इसका बेनिफिट मिलता है। एक रेफरेंस मैं देना चाहूंगा आप 2010-2014 की रेफरेंस पॉइंट देके, तो जब रूरल में दोनों फार्म और इंफ्रा कैश फ्लो अच्छी चल रही थी तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छा रहा है रूरल, और हम यही देख रहे हैं कि 2021-2024 के बीच में एक ऐसा माहौल बनेगा और इसका फायदा हमें मिलेगा। सो दैट इज डेफिनेट। जहां तक मॉरेटोरियम का सवाल है, 75% ऑफ कस्टमर्स को हमने शुरू में मॉरेटोरियम दी थी और अब उसमें से कम 50-60% ऑफ देम आर रीपेइंग इंस्टॉलमेंट्स रेगुलरली, और अब जो कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है रेगुलेटर ने, अब उस नॉन मॉरेटोर जो कस्टमर मॉरेटोरियम में पेमेंट नहीं कर पाए उनकी ओर पहुंचेंगे, उनकी कोशिश करेंगे कि उनका क्या रिक्वायरमेंट इसको समझे और उनको रिस्ट्रक्चरिंग में हम ये हेल्प करें।
और सर एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगी, कैसे आप मेंटेन करें एडिक्वेट लिक्विडिटी रहे, एसेट क्वालिटी स्ट्रांग रहे, वहां पर हमेशा महिंद्रा फाइनेंस का फोकस रहा है, वहां से कुछ कंसर्न दिख रहे हैं, यू थिंक आपने उसको अच्छे से मैनेज किया हुआ है जहां तक एसेट क्वालिटी की बात है और आगे भी उस पर ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी के बुक्स पर उसकी वजह से? देखिए जहां तक हमारा सवाल है, एज अ कंपनी हमने काफी लिक्विडिटी टाइप किए फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हमारा ओन फिक्स डिपॉजिट प्रोग्राम भी काफी अच्छा चल रहा है और इसलिए हमने जो है बैंकों से मॉरिटोरियम नहीं लिया था फॉर रीपेमेंट, और हमारा सारा ही लायबिलिटी हमने एब्सोल्युटली ऑन टाइम वी हैव रीपे, और आगे रिक्वायरमेंट के लिए भी हमारे पास काफी कैश फ्लो की सुविधा हमने बना रखी है। और जैसे आपको पता ही हमने राइट्स इश्यू भी की थी तो हमारी कैपिटल पोजिशन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, तो जहां तक ओवरऑल लायबिलिटी पोजिशन इंक्लूडिंग कैपिटल इज कंसर्न हम बिल्कुल ही कंफर्टेबल है टू एम्बार्क ऑन द ग्रोथ स्टोरी। जहां तक एसेट क्वालिटी का सवाल है, डेफिनेटली जो मार्केट कंडीशन है कुछ ऐसे सेगमेंट रहेंगे जहां हमें ये लग रहा है कि उन्हें ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, चाहे वो फ्लीट ऑपरेटर सेगमेंट हो, हेवी कमर्शियल व्हीकल में, टैक्सी एग्रीगेटर्स हो, जो गाड़ियां टूरिस्ट सेगमेंट्स में चल रही है और स्कूल बस ऑपरेशन में जिस जो गाड़ियां लगी रहती है, ये सब सेगमेंट्स को थोड़ा सा बाहर आने में टाइम लगेगा। और हम यही देख रहे हैं कि इस सेगमेंट को अगर हम ठीक से सपोर्ट करें थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम, चाहे उनका इंस्टॉलमेंट को कम करें, उनका पीरियड को कुछ बढ़ा के दें, उनको कुछ और एक प्रोग्राम दें, तो आई थिंक एसेट क्वालिटी शुड बी वेल एड्रेस्ड, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है मुझे। ओके ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अय्यर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें डिटेल देने के लिए किस तरीके के रिस्पॉन्स आ रहा है और इस वक्त डिमांड कैसे पैन आउट हो रही है और क्या रूरल एरिया में एक्टिविटी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है महिंद्रा फाइनेंस के मैनेजमेंट और उनसे बातचीत। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस नोट पर, ब्रेक के बाद सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आप हमारे साथ जुड़िएगा, आप कहीं मत जाइए, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से आते हैं।